जय जय देव भूमि उत्तराखंड। ओहो दगड़ियों नमस्कार, पहला मिनट शो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूरी दुनागिरी की इन हसीन वादियों से आप सब लोगों का ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों माँ दुनागिरी के प्रांगण में, और जो आज का ब्लॉग है, आज का ब्लॉग दुनागिरी की इन पहाड़ियों से, खूबसूरत पहाड़ियों से शुरू हो रहा है। और यहाँ आने का दोस्तों कोई शेड्यूल नहीं था, रैंडमली प्लान बना। अमन भाई का कॉलेज है द्वाराहाट, तो उनकी कल यात्रा छूटते ही सीधा आज उन्हें पता चला कि उनके कॉलेज में उनका आज प्रैक्टिकल है, तो हमें सडनली और रैंडमली घर से निकलना पड़ा। तो अमन भाई अपना प्रैक्टिकल देने कॉलेज चले गए हैं, तो मैं तब तक उनके रूम पर बोर हो जाता, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी घुमा लिया जाए और खुद भी घूम के आया जाए। तो हम पहुँच चुके हैं आज दुनागिरी की इन हसीन पहाड़ियों में। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए रोड चेक कर सकते हैं आप और व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार का कुछ खूबसूरत सा व्यू माँ दुनागिरी के पहाड़ों का ये देख सकते हैं आप। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बाजार में, जहां से ट्रैक शुरू होता है माँ दुनागिरी पर्वत का। तो वो है दोस्तों पहाड़ की पीक, जहां हमने चढ़ना है वहीं माँ दुनागिरी का मंदिर है, भव्य मंदिर। तो ये जो आपको छत जैसे दिख रही है हरी हरी कलर की, तो ये पूरी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों वहाँ तक की। तो चलते हैं और बाजार में भीड़ देख सकते हैं यहाँ से लेकर वो वहाँ तक जहाँ से ट्रैक शुरू होता है और उधर तक, एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर की लाइन लगी है ऐसी गाड़ियों की। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं आजकल के मौसम में, छुट्टियों के सीजन में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ। तो चलते हैं, हम भी करते हैं अपने ट्रैक को बाजार से माँ दुनागिरी के आशीर्वाद से शुरू, और मिलते हैं आपको सीधा माँ के मंदिर में। तो दोस्तों उतर गए हैं हम, यहाँ से ट्रैक होना शुरू होता है और यहाँ पर हमने बाइक को लगा दिया है, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर को ट्रैक होना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं दुनागिरी माँ के प्रांगण में और मिलते हैं आपको ऊपर। तो यहाँ से हो जाता है दोस्तों ट्रैक शुरू, और चलते हैं हम भी ट्रैक में, मिलते हैं आपको, बढ़ते हैं यहाँ से बाजार से ऊपर की ओर। यहाँ से हो जाता है दोस्तों ट्रैक शुरू, चलते हैं, बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको ऊपर ट्रैक में। तो यात्रा की शुरुआत में ही गजानन जी मिल गए हमें, तो जय गजानन की, और दुर्गा माँ का यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों सफर। तो यहाँ से दुकान है और भीड़ लगना शुरू हो जाती है। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप प्रसाद ले जा सकते हैं इन दुकानों से, और अपने लिए, घर के लिए यादगार का सामान कुछ। तो दोस्तों कुछ श्रद्धालु आ चुके हैं और कुछ चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों आधा ट्रैक हमारा पूरा हो चुका है और आधा ट्रैक अभी बचा है हमारा। तो ये जो ट्रैक है बिल्कुल सीढ़ियों वाला ट्रैक है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको। तो लगे पड़े हैं सब, बूढ़े बाढ़े बच्चे जवान सभी माँ के दर्शन के लिए। जय माँ दुनागिरी। फाइनली दोस्तों पूरी चढ़ाई ख़त्म करके अब हम पहाड़ के टॉप में पहुँच चुके हैं, और थोड़ी ही दूर यहाँ से मैया का मंदिर है, मिलते हैं आपको वहाँ दर्शन करते हुए। तो मेरे पीछे आप स्पॉट देख सकते हैं जहाँ बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं। चुनरियाँ दोस्तों वो लोग बांधते हैं जो मन्नत मांग के यहाँ से जाते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इस चुनरी को खोल दिया जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ढेर सारी चुनरियाँ बांध रखी हैं, और हमने भी बांध ली है अपनी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से भी। तो चल रहे हैं, अभी बहुत दूर है, थोड़ा ही दूर बच गया है ट्रैक हमारा, और नज़ारे देख सकते हैं आप मेरे पीछे, लोग बाग फुल भरे पड़े हैं, और जो सीनरी है यहाँ की, तो हम पर्वत में हैं अभी, चीड़ और देवदार और बांज के ही पेड़ देखने को मिल रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। फाइनली मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं हम, दिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार का मंदिर परिसर, यहाँ से आप प्रसादी लॉकेट ले सकते हैं अपने लिए, और इधर चलता है भव्य भंडारे का आयोजन अंदर की ओर। तो अभी हमें भंडारा नहीं खाना है, अभी हमें सीधे चलते जाना है अपनी दुनागिरी माँ के चरणों में पहले। तो यहाँ से अब वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों जो छप्पर डाला था तीन सेट, और यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएगी ब्यूटी
दूनागिरी पर्वत की। तो दोस्तों यहाँ लगता है भंडारा नीचे, तो इस प्रकार का सभी चल रहे हैं, और वो ऊपर टॉप में है मंदिर। तो यहाँ की ब्यूटी को ख़राब ना करें, आप कैमरा की निगरानी में हैं। फाइनली दोस्तों ट्रैक कंप्लीट करके अब हम पहुँच चुके हैं माँ के प्रांगण में, मंदिर में। तो दर्शन करते हैं, जूते चप्पल उतार लिए हैं, तो चलते हैं यहाँ से सीधे ऊपर और फिर आपको पहले दर्शन कराते हैं और उसके बाद यहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ से लास्ट चढ़ाई शुरू हो जाती है मंदिर की, और थोड़ी सी दूर है दोस्तों ये बस, और भीड़ चेक कर सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में, और माँ के मंदिर में भीड़ देख सकते हैं आप दोस्तों। और पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, हर मंदिरों में होता ही है। दर्शन आप मैया के अपने आप ही करिए यहाँ उत्तराखंड में आके। तो जो मज़ा दोस्तों खुद अपनी आँखों से देखने में है माँ को, वो कैमरा के माध्यम से और किसी और माध्यम से नहीं है। तो इसलिए आप मंदिर परिसर और मंदिर के दर्शन करिए मेरे माध्यम से, और माँ के दर्शन करने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा। तो इस प्रकार का दोस्तों माँ का प्रांगण, और यहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं आप। चलिए फिर दोस्तों हम भी करते हैं मैया के दर्शन, और अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूं मैं। तो जहां जो नियम होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत मानना भी होता है, वही ठीक होता है। तो करते हैं दर्शन, लगते हैं लाइन में और फिर दिखाते हैं यहां के और भव्य नज़ारे आपको। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों हम ऊपर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आपको। हो गए दर्शन कंप्लीट दोस्तों माता रानी के, और अब हम थोड़ा मंदिर एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तो मंदिर के थोड़ा बहुत क्लिप मैंने डाल रखे हैं, तो ज़्यादा क्लिप डालना अलाउ नहीं है। तो करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर और मंदिर को घूमते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के बेहतरीन और ख़तरनाक शॉट। तो चलिए फिर दोस्तों कुछ जान लेते हैं इस दूनागिरी मैया के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों जो दूनागिरी मंदिर परिसर बना हुआ है, ये बेसिकली जो द्रोणांचल पर्वत था उस पर्वत के एक हिस्से पे बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी को लंका में शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी को आदेश मिला था कि उन्हें संजीवनी बूटी का लानी है, तो संजीवनी बूटी तो उन्हें पहचान में नहीं आई, तो इसलिए वह पूरे पर्वत को ही उठा लाए। तो जब उसे ले जा रहे थे वो लंका वहाँ से उठा के, तो यहाँ पे जाते वक्त उस पर्वत का एक द्रोणांचल पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ हमारे उत्तराखंड में इस स्थान पे गिरा, तो तभी दोस्तों इसका नाम दूनागिरी पर्वत पड़ गया उस दिन से। और क्या कहते हैं, यहाँ अभी भी बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ आज भी पाई जाती हैं। दोस्तों यह वैष्णो देवी का प्राचीन सिद्धपीठ भी है, और द्रोणांचल पर्वत का हिस्सा होने के कारण इसे द्रोणांचली वैष्णो माता के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कुछ इस प्रकार की थी इस मंदिर के बारे में जानकारी दोस्तों। तो यहाँ श्री बजरंगबली जी का मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कराते हैं, और ये है भैरव बाबा मंदिर, यहाँ भी दर्शन करते हैं। तो इधर की साइड है दोस्तों एक बाबा जी की तपस्या स्थली, यहाँ पे है तपोस्थली। तो हो गए दोस्तों सभी जगह के दर्शन कंप्लीट, और अब भीड़ भड़ाका भी आप मेरे पीछे चेक कर सकते हैं, कम होना शुरू हो चुकी है, और अभी नीचे से आ भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो जो हमारे बैच की भीड़ थी वो कम हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से ब्यूटी का नज़ारा। तो मौसम हो रहा है ख़राब, काले बादल आ रहे हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं आप छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं झूलों में, और ऊपर मंदिर परिसर, और इधर बाबा जी की कुटिया, और ब्यूटी देख चेक कर सकते हैं आप यहाँ से
द्रोणांचल पर्वत के टुकड़े की। हम मंदिर परिसर में थोड़ा देर बैठे थे और अब बारिश होना शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से वरना बारिश यहाँ की कभी भी तेज़ हो सकती है क्योंकि ये हाइट में है बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों माँ दूनागिरी की शक्ति। अभी अभी बारिश हो रही थी, बड़ी तगड़ी बारिश लग चुकी थी और अभी अभी धूप खिल चुकी है। अब चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधे रोड में। आ चुकी है धूप और कुछ इस प्रकार का नज़ारा अभी का यहाँ का। तो आते वक्त दोस्तों हम इस छज्जे के रास्ते आए थे, टीन वाले सेट के रास्ते, और जाते हुए हम जा रहे हैं इस शॉर्ट रास्ते से। ये भी दोस्तों सीधा नीचे दूनागिरी बाजार में ही उतरे मिले, नीचे सीधा दूनागिरी बाजार में ही मिलेगा जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। तो ये जो रास्ता है ये खुला खुला है और वो जो रास्ता था दोस्तों वो बंद रास्ता था, उसमें छज्जा डला था। तो जब ज़्यादा बारिश आ जाए तो उस रास्ते से जाना चाहिए और शॉर्टकट भी मानना चाहिए। यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं नीचे के। तो ये भी बिल्कुल शांत जंगल है दोस्तों, मैं और मेरी तन्हाई, मेरा बैग मेरे कंधे पे। तो बढ़ रहे हैं हम नीचे की ओर और तो फाइनली दोस्तों पूरा ट्रैक करके और मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं हम नीचे बाजार में। तो थोड़ा सा बाजार घूमते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ बाजार कैसा है, क्या है करके यहाँ। तो दो दुकानें वहाँ पे हैं दोस्तों और वहाँ से शुरू हो जाता है बाजार। ये कुछ दुकानें यहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल, ये है माँ रेस्टोरेंट और यहाँ पर आपको समोसे छोले आदि मिलेंगे। ट्रैक शुरू होता है दोस्तों और यहाँ प्रसादी और लॉकेट माला की ही ज़्यादा दुकानें हैं। तो इस प्रकार का बाजार खूबसूरत था और एक रेस्टोरेंट यहाँ पे भी, और इधर आप देख सकते हैं पहाड़ी जूस और अचार की दुकान। तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जूस और अचार मिल जाएंगे और इधर के साइड भी होटल और रेस्टोरेंट ही है ज़्यादा। यहाँ बस यहाँ से आगे समाप्त हो जाता है ये बाज़ार और गाड़ियों की दिखती है आपको कतार लंबी लंबी। तो जहाँ तक आपकी आगे नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको। तो आजकल के टाइम में दोस्तों यहाँ काफल और पूलम और नींबू ये वाले फल ज़्यादा चलते हैं। देख सकते हैं आप आड़ू खुमानी और पुलम नींबू ऊपर की साइड भी रखे हैं भाई जी ने। तो इस प्रकार का है। हम फिर के दोस्तों ट्रैक कंप्लीट करके अब लग चुके हैं हमें भूख और आ चुके हैं हमारे छोले समोसे और ये माँ दूनागिरी का रेस्टोरेंट यहाँ का। तो खाते पीते हैं फिर निकलते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। तो दोस्तों खाना पीना घूमना फिरना हो चुका है और अब आ चुके हैं हम अपनी बाइक के पास। तो चलते हैं, अमन भाई का भी फ़ोन आ चुका है तो खाना वहीं खाएंगे अमन भाई के वहाँ। थोड़ा सा नाश्ता कर रखा था हल्का फुल्का, तो चलते हैं मिलते हैं आपको सीधा दौराहाट में। फाइनली दोस्तों अमन भाई के रूम में हम पहुँच चुके हैं। अमन भाई अभी भी कॉलेज से नहीं आए हैं, उनका अभी प्रैक्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब वो आएंगे तब खाना पीना खाएंगे और फिर बढ़ेंगे घर की ओर। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, अब थोड़ा थक भी गए हैं तब तक सो जाते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी हसीन ब्लॉग के साथ उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में।